दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मशहूर लेग स्पिनर अफगानिस्तान का प्राउड राशिद खान के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राशिद खान का फुल नेम राशिद खान अरमान है और इनका निक नेम राशिद है। राशिद खान 20 सितंबर 1998 को ननगरहार अफगानिस्तान में पैदा हुए। 2023 के हिसाब से अब इनकी उम्र 25 साल है। क्रिकेट में डिब्यूट करने से पहले राशिद खान को अपने मुल्क अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में जंग लगी हुई थी। राशिद खान अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आए और अफगानिस्तान के हालात बेहतर होने के बाद अफगानिस्तान वापस चले गए। राशिद खान बचपन से क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। राशिद खान ने अपने बॉलिंग एक्शन को पाकिस्तान के फेमस ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी से इंस्पायर किया और राशिद खान के फेवरेट बैट्समैन विराट कोहली है। तो दोस्तों अगर आप राशिद खान के फैन हैं इस वीडियो को लाइक करें। राशिद खान 17 साल के थे जब इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। अक्टूबर 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला ODI डिब्यूट किया और इसी साल इन्हें T20 डिब्यूट का मौका मिला। राशिद खान ने अपने पहले मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 5 विकेटें लिए, वो भी सिर्फ 2 ओवर्स में। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बॉलर है। इसके बाद राशिद खान ने अपना पहला टेस्ट डिब्यूट इंडिया के खिलाफ किया और मज़े की बात यह है कि यह अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच था। इस मैच में राशिद खान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई लेकिन बदकिस्मती की वजह से अफगानिस्तान मैच हार गया। IPL करियर की बात करें तो साल 2017 में इन्हें सनराइजर हैदराबाद ने 4 करोड़ में खरीदा। राशिद खान IPL में शामिल होने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी है। राशिद खान ने अपने पहले IPL मैच में 2 विकेटें ली। उन्होंने पूरे सीजन 14 मैचों में 17 विकेटें लिए और टूर्नामेंट के 6ठे सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बने। 2018 में इन्हें मिजांसी टूर्नामेंट के पहले एडिशन के लिए T20 सुपर लीग डर्बन हेड में 1,25,000 यूरोज़ में ख़रीदा गया। राशिद खान को IPL 2022 में गुजरात टाइटन्स ने 15 करोड़ में ख़रीदा। इसी साल राशिद खान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर गुजरात टाइटन्स को टाइटल जितवाने में मदद की। राशिद खान 4 ओवर्स में 3 रन्स देकर 5 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर है। राशिद खान के पास 4 गेंदों पर 4 विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में पहली हैट्रिक करने का रिकॉर्ड भी राशिद खान के पास है। 2017 में राशिद खान ने एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता और राशिद खान ने 2022 में ICC T20 मींस प्लेयर्स अवार्ड भी अपने नाम किया। राशिद खान एक पश्तून फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके 10 भाई-बहन हैं जिनमें 6 भाई और 4 बहनें हैं। राशिद खान अपने वालिद के ज़्यादा करीब थे और इनके वालिद की 2018 में डेथ हो गई। राशिद खान शादीशुदा नहीं और इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई मालूमात नहीं। दोस्तों राशिद खान अब अफगानिस्तान काबुल में इनका घर है। राशिद खान ने अपनी एजुकेशन ननगहार हाई स्कूल जलालाबाद से की। राशिद खान के गैराज में कुछ स्टाइलिश लग्जरी कार मौजूद है। पहले नंबर पे आती है लैंड रोवर वॉक। इसकी टॉप स्पीड 130 मील पर हावर है जिसकी कीमत 1,75,00,000 है। दूसरी इनके पास है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये काफी एक्सपेंसिव कार है जिसकी कीमत 80,00,000 है। तीसरी इनके पास है मिस्तबशी जिसकी कीमत 55,00,000 है। बात करें राशिद खान की इनकम के बारे में तो राशिद खान को हर साल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 85,00,000 सैलरी अदा करता है और इनकी और भी कई सारी लीग से इनकम आती है जैसे PSL, BPL वगैरह। नेटवर्थ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इनकी टोटल मालियत 45 करोड़ है।